दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब पर ऑनलाइन स्टडी पर। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज सबसे पहले है जल का पीएच होता है वो 7 होता है, जो रक्त का होता है वो 7.4, जो टमाटर का होता है वो 4.5 और दूध का जो पीएच है वो 6.4 होता है, नमक का पीएच और 7 होता है, शराब का पीएच 2.8 और सेब का पीएच 3 होता है, मूत्र का पीएच 4.8 to 8.4। जो पीएच है पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम इसको बोलते हैं। जो ये हमारा पीएच स्केल है इससे हम एसिड बेस या उदासीन इसका पता करते हैं, घोल का पता करते हैं ये एसिड है बेस है या उदासीन है। जो इसका स्केल की वैल्यू होती है वो 0 to 14 होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पीएच क्या है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल। पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं? पीएच से हम घोल का पता करते हैं, एसिड है बेस है या उदासीन है, इससे हम घोल का पता करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच स्केल की खोज किसने की? जो पीएच स्केल है पीएच स्केल की जो खोज की थी वो सारेंसन जी ने की थी। सारेंसन ने इसकी खोज की थी पीएच स्केल की। सारेंसन जी ने पीएच मीटर की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी जो पीएच स्केल की होती है 0 to 14, इसकी रेंज 0 to 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पीएच का फॉर्मूला क्या है? जो पीएच का फॉर्मूला होता है लॉग 10 एच प्लस, ये हमारा जो है पीएच फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रक्त का पीएच कितना होता है? जो रक्त होता है हमारे पास खून होता है, खून का पीएच जो है 7.4 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जल का पीएच कितना होता है? जो जल होता है जल का पीएच जो वैल्यू होती है जल की वो 7 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नमक का पीएच कितना होता है? जो नमक होता है हमारे पास नमक का पीएच जो है 7 होता है, और जो नमक का जो वैज्ञानिक फॉर्मूला है वो NaCl, ये हमारा नमक का वैज्ञानिक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.7। इसको हम कैसे याद करते हैं? जैसे खून का रक्त का जो है 7 होता है, 7 होता है खून का रक्त का 7 होता है, और आंसू का 7.7। जब खून निकलेगा तभी हमारे आंसू निकलेंगे, तो 7.7 ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, जब खून निकलेगा तभी आंसू निकलेंगे, तो 7.7 से हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नींबू का पीएच कितना होता है? जो नींबू होता है नींबू का हमारा जो पीएच होता है वो 2.4 होता है। जैसे हम इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे नींबू का पीएच 2.4, जैसे हम सब्जी लेते हैं तो सब्जी वाले पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियां होती हैं, तो सब्जी लेके हम उसको बोलते हैं 2-4 नींबू ऐसे ही डाल दे, 2-4 नींबू ऐसे ही डाल दे, तो ऐसे इस ट्रिक के जरिए भी हम इसको याद कर सकते हैं 2.4 नींबू का पीएच 2.4 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बैटरी अमल का पीएच मान कितना होता है? जो बैटरी होती है उसका 1 होता है। जितने भी पावर होते हैं, जितने भी 7 से कम होंगे, जैसे 7 से कम 1 है, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, जैसे बैटरी है या हाइड्रोक्लोरिक अमल है, इनका मान 1 ही होता है। जितने भी ताकतवर एसिड है उनका मान 1 ही होगा, तो बैटरी अमल का जो पीएच मान है वो जो है हमारे पास 1 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास
सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान जो है 1 होता है, और इसका फॉर्मूला H2SO4 है हमारे पास। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान जो है 1 होता है, मैंने आपको बताया। जितने भी 7 से कम होंगे, जितना ज़्यादा कम होगा उतने ही ज़्यादा पावरफुल होगा, तो उसका 1 होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो बैटरी में हम यूज़ करते हैं, बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान होता है वो होता है हमारे पास 6.4। 6.4 जो है हमारे पास दूध का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मक्खन का पीएच मान कितना होता है। मक्खन का पीएच मान जो होता है 6.12। 6.4 जो है हमारे पास मक्खन का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडे का पीएच मान कितना होता है। जो सोडा होता है, सोडे का पीएच मान हमारे पास 3 होता है। सोडे का पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेब का पीएच मान कितना होता है। जो सेब होता है, सेब का पीएच मान हमारे पास 3 होता है। सेब का पीएच मान जो है 3 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अचार का पीएच मान कितना होता है। अचार का पीएच मान जो है 3.5 to 3.9 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है 3। 3 जो है हमारे पास 3 होता है सिरके का पीएच मान। नेक्स्ट है हमारे पास शराब का पीएच मान कितना होता है। 2.8। शराब के पीएच मान को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे दो पैग लगाए तो वो 8-8 बोलने लगा, तो उल्टा बोलने लगा, 8-8 बोलने लगा, दो पैग लगाकर 8-8 बोलने लगा, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। जो समुद्र है, समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5। समुद्र का जो पीएच मान वो 8.5 होता है। इसको हम याद कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, जो समुद्र है, समुद्र जो मेरे घर से 8.5 मतलब 85 किलोमीटर दूर है, समुद्र मेरे घर से 8.5 किलोमीटर दूर है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। समुद्र जो है मेरे घर से 85 किलोमीटर दूर है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 4.8 to 8.4। ये मानव मूत्र का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। शैम्पू का जो हमारे पास पीएच मान होता है वो 7 to 10 होता है। ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जो शैम्पू है, शैम्पू 7 का होगा और ज़्यादा महंगा 10 का होता है, तो 7 से 10 के बीच में वैरी करेगा। जो 7 का शैम्पू मिनिमम रेट का और 10 का महंगा होगा, 10 का महंगा होगा, 7 का कम होगा, तो 7 से 10 के बीच में शैम्पू जो है वैरी करेगा, तो 7 से 10 इसका वैल्यू हो जाएगा शैम्पू का पीएच मान का। नेक्स्ट है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। लार को हम इंग्लिश में सलीवा बोलते हैं। जो मानव लार होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 65 to 75। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे जो बुजुर्ग आदमी होते हैं 65 to 7.5 के, उनको रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। 65 to 75 के वर्ग के लोगों को जो है रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनका दिल जो है मचलाता है, लार जो है मतलब जी ललचाता है, इसलिए 6.5 to 7.5 65 से 75 साल के बहुत ज़्यादा पसंद होती है रसमलाई। नेक्स्ट है हमारे पास किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका होगा आंसर 0.2। अगर हमारे 0.2 जो है कम हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति का जो पीएच मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जो उसका मान परिवर्तन होता है तो उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। 2.0.2 पर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अम्लीय वर्षा का लगभग
पीएच मान कितना होता है? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका मान जो है 5 होता है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? जैसे फैक्ट्रियों का जो धुआं होता है, चिमनी होती है, जब वो 5 किलोमीटर ऊपर जाता है, 5 किलोमीटर तक ऊपर जाता है, तो एसिड एसिड जो है ऊपर चले जाते हैं, और जो फिर उसके बाद जो है वर्षा होती है अम्लीय वर्षा, जब वो ऊपर चले जाते हैं फिर वो उसी के रूप में बादल जो है वो पानी जो है नीचे घेर देते हैं। जो फैक्ट्रियों का धुआं है वो 5 किलोमीटर तक ऊपर जाता है, इससे हम इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय का जो पीएच मान है 5.5 होता है। चाय का पीएच मान इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, 5 रुपए की चाय होती है, 5 रुपए की चाय होती है, 5 की चाय आती है, 5 रुपए के सिक्के होते हैं और 5 5 के 2 सिक्के हैं, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉफ़ी का पीएच मान कितना है? जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का जो पीएच मान है वो 5 है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। कॉफ़ी जो है 5 रुपए की आती है कॉफ़ी, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? मैंने आपको पहले ही बताया 1 होता है। जितने भी पावर 7 से जितने भी ज़्यादा कम होगा उतने ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ताकतवर होगा, तो उसका 1 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान है वो 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बियर का, जो बियर का पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। बियर का मान 4-5 बोतल चाहिए बियर की, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, 4 या 5 बोतल चाहिए बियर की, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? जो स्वस्थ त्वचा है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 5.5 जो है स्वस्थ त्वचा का मान होता है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे सलमान खान की उम्र 55 साल है, तब भी वो स्वस्थ है, उसकी त्वचा स्वस्थ है, 55 साल की उम्र में भी वो स्वस्थ है, बिल्कुल उसकी स्किन जो है वो भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडे का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.8। अंडे का जो पीएच मान होता है वो 7.8 होता है, 7.8 ऐसे याद रख सकते हैं। फौज में मौज है, रोज़ 7-8 अंडे रोज हैं, 7-8 अंडे रोज हैं, फौज में मौज है, 7-8 अंडे रोज हैं, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टमाटर का पीएच मान कितना है? जो टमाटर होता है, टमाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.5 इसका पीएच मान होता है। अगर दोस्तों 4.1 भी आए वो भी इसका आंसर सही रहेगा, ऐसे 4.5 इसका ऑप्शन में 4.5 है तो इसका आंसर 4.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है? जो टमाटर का रस होता है उसका जो पीएच मान होता है 4.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर के रस का जो पीएच मान है वो 4.1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, टूथपेस्ट को जैसे टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ बैक ऊपर होते हैं, 4 टाइप के टीथ नीचे होते हैं, तो टोटल जो है हमारे 8 टाइप के टीथ होते हैं, मतलब टोटल 8 टाइप के टीथ जो है उगते हैं, 4 टाइप के अपर साइड एंड 4 टाइप के बॉटम साइड, तो टोटल जो है हमारे 8 टाइप हो गए, इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं, टूथपेस्ट का जो पीएच मान है वो 8 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ये अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। मैंने बताया आपसे 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, और 7 जो है उदासीन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? जो क्षारीय होता है उसका 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास केले का पीएच मान कितना होता है? जो केला का पीएच मान होता है वो 4.5 to 5.2 जो है हमारे पास केले का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 1.5 जो है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 5 to
5.626, ये हमारे सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक